हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज आप हिंदी में कविता दस सीखो विषय आप भाई काव्य दस सीखो बदस चौपड़े नो पाना नंबर 70 बार कट से। हवे हूँ अँ कविता गान करीश ये तमारे बदाए अँ थी संभाळवानुं छे। काव्य का नाम है सीखो। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्रीनाथ सिंह अँ लखेलू है। देखो बदाज काव्य दस सीखो उनके प्रस्तुत कविता के प्रसिद्ध रचनाकार कौन है तो श्रीनाथ सिंह ने इस कविता का रचयिता है। उसने इस यह कविता रची है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। अपने जीवन में प्रकृति के बहुत ही महत्व है। प्रकृति यानी कि आपको मालूम ही होगा प्रकृति किसे कहते हैं, हवा पानी फिर फूल पौधा सूरज ये सब क्या है। अपने जीवन में प्रकृति का खूब महत्व है तो इस महत्व का हमें पालन करना चाहिए और उनकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए। तो इस कविता में हम इनके द्वारा आगे बढ़ेंगे। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के मौजूद विभिन्न चीजों यानी कि फूल पौधे सूरज पेड़ पृथ्वी इत्यादि ने कुछ ना कुछ से हमें सीखने के लिए मिलता है। तो हम यहाँ पे इस कविता में कविता को मैं गाकर यहाँ से प्रस्तुत करूंगी। फूलों से नित हंसना सीखो, बारों से नित गाना, तरो की झुकी डालियों से नित शीशो सी सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो हम यहाँ पे ये तीन जो पुस्तक में ये भाग है, एक पार्ट ये है, दूसरा यह और ये तीन है, उसे इस कविता में काव्य में फूलों की बात की गई है। इसमें दूध तथा पानी से, हवा के झोंकों से और इसमें सूरज की बात की गई है। तो हम यहाँ पर अलग अलग प्रकृति की चीजों की वर्णन करते हुए इस काव्य को हम आगे आपको समझाएंगे। फूलों से नित हंसना सीखो। फूल हमें क्या सिखाते हैं तो फूल हमें नित हंसना इतने फूल से हमें नित हंसना सीखते हैं। फूल हमें हमेशा के लिए हमें हंसना सिखाते हैं। भौरों से नित गाना। भौरा यानी भौरा, भौरे सारे दिन कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, इसलिए भौरों से हमें क्या सीखना चाहिए, गाना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से, तरु यानी पेड़ तरु की झुकी डालियां है, तरु यानी पेड़ की झुकी डालियों से हमें क्या सीख मिलती है तो शीश झुकाना। हमें तरु की झुकी डालियों से हमें हमारा शीश झुकाने की सीख मिलती है। हमें हमेशा बड़ों के सामने अपना शीश झुकाने झुके ही चलना चाहिए। यह सीख हमें फूलों से मिलती है। सीख हवा के झोंकों से। अब हवा की बारी आई। सीख हवा के झोंकों से। हवा के झोंकों से हमें क्या सीख मिलती है तो कोमल भाव बहाना। हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव बहाने की सीख मिलती है। कोमल भाव बहाना यानी कि सुंदर विचार प्रकट करना। हवा के झोंकों से हमें सुंदर विचार प्रकट करने की सीख मिलती है। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी जैसे मिल जाते हैं ऐसे वैसे ही हमें अपने जीवन में सभी संबंधों में हमें एक दूसरे के लिए मिल जाना, यानी एक बीजा प्रति अपने प्रेम भाव रखवानो छे। अहीं आ वस्तु दर्शावामां आवी छे। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो। सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है यही बात यहाँ बताने की कोशिश की गई है। सूरज की किरणों से जगना और जगाना। हम सूर्य
सुबह जल्दी उठ जाते हैं और शाम को सो जाते हैं, वो कौन करता है? तो सूरज की किरणें सुबह पड़ती है तो हम सूरज की किरणों से सुबह उठ जाते हैं और अपना काम नित्य निरंतर रोजिंदा जो काम होने होता है वो हम करने लग जाते हैं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाना, इसलिए जागवानुपन सूरज न किरणों से थाय छे ने उगवानुपन थाय छे, सूरज अपने जगाड़े छे पण ने उगाड़े छे पण। लता और पेड़ों से सीखो। लता यानी वेल और पेड़ એટલે वृक्ष। लता और पेड़ों से हमें सीख मिलती है तो सबको गले लगाना। आपने कोई पेड़ देखा होगा तो उसमें लता हो यानी जो लता यानी वेल जो हो जड़ नीचे उतरेली हो लता और पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए? सबको गले लगाना, हमें सब सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी कोई झगड़ा करना नहीं चाहिए। सबको हमें गले लगाना चाहिए और शांति से रहना भी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम ये तीन ही फकरे यहाँ तक पढ़े समझाएंगे, बाकी के हम अगले वीडियो में समझेंगे काव्य के। अब हम शब्दार्थ और कुछ मुहावरे यहाँ पर समझेंगे। शब्दार्थ यहाँ पे है फूल यानी पुष्प, गुजराती में शू कहवाए फूल कहवाए। कोई पण जाति फूल तब जो हे गुलाब नु हो मोगरा नु हो यानी फूल यानी हिंदी में शू कहवाए पुष्प। सूरज 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 यानी कि रवि भानु, हिंदी में उसे रवि भी कहते हैं और भानु भी कहते हैं। नीत तो सदा प्रतिदिन, नीत एटले दररोज, सदा एटले हमेशा, प्रतिदिन दररोज। लता एटले बेल, बवरा एटले मधुकर बवरा। बवरा ने शू कहवाय छे गुजराती में? बमरो पण कहेवाय छे। मधुकर एटले ए मधुकर शा माटे कहेवाय छे? કે ભમરો ફૂલ ઉપર બેસીને જે મીઠો રસ ચૂસે છે એટલે માટે શું કહેવાય છે? એને મધુકર પણ કહેવાય છે। હવે છે મુહાવરે। આ મુહાવરે એટલે શું કહેવાય હિન્દીમાં? મુહાવરે એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? રૂઢિ પ્રયોગ। ગુજરાતીમાં તમે રૂઢિ પ્રયોગ છે એ રીતે તમે સમજો છો અને હિન્દીને હમ મુહાવરે કે નામથી અહીં સમજીએ। એક હે કોમલ ભાવ વહના। કોમલ ભાવ વહના યાની કે સુંદર વિચાર પ્રકટ करना। आपके मन में कोई विचार आया तो आप सुंदर इतना प्रकट कर सकते हो तो इसको क्या कहते हैं? कोमल भाव बहाना। शीश झुकाना, शीश झुकाना यानी विनम्र होना। कोई बालक गुरु के सामने शीश झुकाता है। कोई विद्यार्थी ने अच्छा काम किया, किसी ने कोई घर पे भी अच्छा काम किया और वो अपने वडिल के सामने शीश झुकाता है तो उसे क्या कहते हैं? विनम्र होना कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह इसकी समझी थी कि अब इस कार्य में हमने जो तीन फकरे की कार्य गाई वहां इसमें फूल बौरे और सूरज की बात की गई है। अभी आगे की जो कार्य है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब थैंक यू।